वेलकम टू ट्रक स्पार्क। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं पावर ट्रैक 439 डीएस के बारे में। आज अपन इस ट्रैक्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखेंगे इस वीडियो के अंदर अपन ट्रैक्टर की पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अपन साइड का व्यू कुछ इस तरह रहेगा, देख सकते हैं, जिसमें 439 पावर ट्रैक डीजल सेवर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी इस ट्रैक्टर के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करें दोस्तों इसके फ्रंट साइज से। तो फ्रंट के अंदर यहाँ पे पावर ट्रैक की शानदार ब्रांडिंग लगी हुई है और इसके नीचे आपको एस्कॉर्ट की भी आपको शानदार ब्रांडिंग लगी हुई है। और फ्रंट के अंदर आपको हैवी ड्यूटी बम्पर मिलेगा जो कि टोइंग हुक के साथ आपको ये मिल रहा है। यहाँ पे आपको एस्कॉर्ट की ब्रांडिंग और साथ में इसकी जाली लगी हुई देख सकते हैं। और साइड में देखें तो काफ़ी बड़ी हैलोजन लैंप यहाँ पे कंपनी ने यूज़ की हुई है। कंपनी ने देख सकते हैं आप इसको, काफ़ी बड़ी हैलोजन लैंप। यहाँ पे साइड में आपको 439 डीएस पावर ट्रैक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पे आपको, जो कि ट्रैक्टर को काफ़ी आकर्षक और लुकिंग वाइज देखें तो काफ़ी यहाँ पे शानदार आपको बनाती है। यहाँ पे ऑयल इमर्स ब्रेक, हाई लिफ्ट कैपेसिटी और क्लच के बारे में अपन यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हैं। लॉर्ड मैक्स सीरीज़ का ये आपका ट्रैक्टर रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो कंपनी आपको फ्रंट के अंदर 616 के यहाँ पे आपको टायर प्रोवाइड करवा रही है। वहीं आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल के साथ आपको ये मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल स्टेयरिंग मिलेगा आपको इसके अंदर। काफ़ी स्मूथ स्टेयरिंग कंपनी ने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड रहेगी, साथ में आपको डीजल सेवर, ईजी स्टेयरिंग और पीटीओ की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे दूसरी साइड का व्यू कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें पावर ट्रैक सुपर सेवर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको साइड से ओपन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोनट साइड से ओपन होगा। तो वहीं बात करें दोस्तों इसके इंजन की, तो कंपनी आपको 39 हॉर्स पावर का इंजन प्रोवाइड करवा रही है, जो कि वाटर कूल्ड इंजन रहेगा और 2146 सीसी का आपको इंजन मिलेगा। वहीं बात करें इसके इंजन रेटेड आरपीएम की, तो यहाँ पे 2200 आपको इंजन रेटेड आरपीएम मिलेंगे। यहाँ पे आपका 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। यहाँ पे आपका रेडिएटर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको साथ में कूलेंट टैंक देखने को मिलेगा और साथ में आई केयर बटन भी यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके फ्यूल सिस्टम की, तो कंपनी आपको बोस का इनलाइन पम्प यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रही है, जो कि डीजल सेपरेटर और वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर के साथ आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आई केयर बटन देख सकते हैं। यह 24/7 आवर्स आपका वर्क करेगा, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो कंपनी से आपको कॉल भी आएगा। यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये इंजन है आसानी से। यहाँ पे आपका जो बोनट है साइड से आपको ओपन होगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके ब्रेक्स की, तो यहाँ पे आप कंपनी आपको मल्टी प्लेट के साथ ऑयल इमर्स टाइप के यहाँ पे आपको ब्रेक्स प्रोवाइड करवा रही है और साथ में आपको 39 हॉर्स पावर की यहाँ ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। और कंपनी इसमें ऑयल इमर्स ब्रेक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पे आपका एक्सेलेटर पेडल मिलेगा और ये पार्किंग लीवर के साथ आपको ये ब्रेक्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे का व्यू कुछ इस तरह रहेगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके क्लच की, तो कंपनी आपको सिंगल क्लच यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पे साइड में आपका बैटरी बॉक्स और साइड में आपका हाइड्रोलिक फिल्टर भी दिया हुआ है और साथ में आपका हाइड्रोलिक पंप भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपका सेल्फ स्टार्टर अल्टरनेटर भी आपको मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके एयर फिल्टर की, तो कंपनी आपको ऑयल बाथ टाइप का यहाँ पर आपको एयर फिल्टर आपको प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ पे फुट स्टेप दिए हुए, आसानी से आप इसके अंदर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका सिंगल क्लच के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके गियर बॉक्स की, तो कंपनी आपको इसके अंदर आपको कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है, जो कि 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ आपको ये मिलेगा। यहाँ पे हाई लो का आपका गियर रहेगा और ये साइड में आपका
यहाँ पे फोर फॉरवर्ड और वन रिवर्स के साथ आपको ये मिलेगा। यहाँ पे नीचे भी आपको इस गेयरबॉक्स के अंदर अभी ब्रांडिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब वही बात करें दोस्तों इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर ओवरऑल लुक सामने से कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें यहाँ पे एक आई केयर बटन की ब्रांडिंग लगी हुई है। वहीं बात करें दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो कंपनी आपको 50 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पे सामने का व्यू कुछ इस तरह रहेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हैं यहाँ पर, और डिजिटल डैशबोर्ड के साथ आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएम मीटर, फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर और हावर्स मीटर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, हॉर्न और स्विच, स्टॉप स्विच और इग्निशन स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपका लीवर दे रखा है। वहीं इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके पीटीओ की, तो कंपनी आपको इसके अंदर 34 हॉर्स पावर का यहाँ पे पीटीओ आपको प्रोवाइड करवा रही है, जो कि 540 आरपीएम के 1800 आरपीएम के ऊपर, इंजन आरपीएम के ऊपर। यहाँ पे आपका छोटा सा टूल बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे पीटीओ लीवर देख सकते हैं, और हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको लॉक दे रखे हैं। अब इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके पीछे के टायर की, तो कंपनी आपको 13/6/28 के टायर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रही है। वहीं बात करें दोस्तों इसके लिफ्ट कैपेसिटी की, तो कंपनी आपको 1500 kg की यहाँ पे आपको लिफ्ट प्रोवाइड करवा रही है, और यहाँ पे 3-पॉइंट लिंकेज के साथ आपको ये मिलेगा। काफ़ी बड़ी बैकलाइट और यहाँ पे आपका वार्निंग ट्रायंगल मिलेगा, और एडजस्टेबल सीट के साथ आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट देखने को मिलेगा इसके अंदर, और यहाँ पे 3-पॉइंट लिंकेज आपको मिलेगा। काफ़ी बड़ा हैवी ड्यूटी रियर एक्सल और मिलेगा। वहीं ओवरऑल लुक पीछे का कुछ इस तरह रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।